छून छुरू की सब्जी। अशु की आज 3 बार धोती निकल चुकी है। काफी ज्यादा बढ़ गया है दोस्तों, और अभी लगभग जी हाँ जी हाँ जी, क्या बना रहे हैं आप आज? छून छुरू की सब्जी है आज, छून छुरू की सब्जी। तो आज हम आए हैं शनाग गांव में, यहाँ छोटी सी देवली है, यानी देवकारी है छोटा सा, और मेरे साथ हैं आशु। हाय। हेलो। वाह, यहाँ तो खुमानिया भी है। चलिए खुमानी को तोड़ते हैं, थोड़ी सी देना। सड़ी हुई है? सड़ी। थोड़ी देर का रेस्ट हमें मिला है तो हम आ गए हैं, पास में एक सेब का बागीचा है वहाँ पर। दोस्तों थोड़ी सी थकावट हो गई, अभी हमने 3 भार यानी 75 किलो लगभग चावल खिला दिए हैं, वो भी सिर्फ ब्रेकफास्ट में, और अवस्था, और उसके बाद अब लंच और डिनर हमारा एक साथ होता है, और देखिए अवस्था। तो उसमें हम खिलाएंगे लगभग कितना, लगभग 150 किलो चावल अब हम खिलाएंगे लंच और डिनर में। तो उसमें अभी थोड़ा वक्त है, अभी पूजा पाठ चला है तो उसके बाद ही हम शुरू करेंगे, है ना जी। हाँ, तो अवस्थी साहब देखिए थोड़े ज़्यादा थक गए हैं इसलिए घास पे लेट गए हैं, नतमस्तक हो गए हैं। और अशु की आज 3 बार धोती निकल चुकी है। और चौथी बार ना निकले इसलिए यहाँ बागीचे में आके बैठ गए हैं। दोस्तों जो ये शनाग एरिया है, गांव है, यहाँ के सेब काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और काफ़ी तरह तरह की वैरायटियाँ यहाँ लोगों ने लगा रखी हैं सेब की। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फसल है इस बार। घी उगा हुआ है डब्बे ना, ऐसे घी भी इन्होंने बाल्टी में हदी है मेरे को तब करके। ठीक है, ओके। सोना हट कर, ये ही सोना हट। अब बढ़ते हैं अपनी रसोई की तरफ, काफी देर से हम यहीं पर हैं। काफी ज्यादा बढ़ गया है दोस्तों, और अभी लगभग 80 से 100 ज्यादा भी हो सकते हैं, इतने आदमी खाने बैठे हैं। वो अभी खिलाएंगे, थोड़ा सा चावल और खिलाने को बाकी है अभी। हेलो हेलो, ये जो तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, फिर से एक बार स्वागत है मिस्टर केशवाचार्य, किसने करनी थी ब्लॉगिंग, केशवाचार्य के चैनल में। ये क्या हो रहा है? आज है हमारा शनाग में दूसरा दिन, कल का दिन काफ़ी अच्छा रहा, थोड़ी थकावट हो गई थी, काम थोड़ा ज़्यादा हो गया था, वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा हो गया था कल, क्योंकि कल हमें ब्रेकफास्ट बना के खिलाना पड़ा, उसके बाद लंच डिनर भी खिलाना पड़ा, इसलिए हम थक गए थोड़ा। लेकिन आज सिर्फ हमारा लंच और डिनर था। अभी मीठे में थोड़ी आग है बची हुई, क्योंकि इसे थोड़ा सा गर्म रखना हमें। और ये राजमा हमारे उबल रहे हैं, हमारा मद्रा रेडी है, कढ़ी वगैरह सब कुछ, हमारे चावल भी रेडी है। Thank you.
फिलहाल सभी अभी आराम कर रहे हैं, रेस्ट पे हैं। हाय, अब वक्त हो चुका है जो यहाँ हरिपुर की देवी माँ आई थी नीलासुरी जी, तो उनके अब घर वापसी का समय हो गया है और मेरे सामने से वो गुजर रहे हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आपने देखा दोस्तों, माँ नीलासुरी जी अपने गंतव्य की ओर बढ़ती हुई, और अब शायद खाना खाने वाले लोग भी आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब तक देवता चले नहीं जाते तब तक काफ़ी लोग उन्हें देखने बैठे रहते हैं। तो अब चले गए हैं तो आ जाएंगे शायद खाने जी। आ रहे हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं अब तो। आप भी जाने के बाद